Hi everyone, myself Om Prakash Bhaskar from Gateway School. In the previous video we have discussed exercise 2.1. I think you all have shown this, and now we are going to discuss 2.2 NCERT exercise aapka. So question number 1, in linear equation in one variable, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8, what is the number? अगर आपको ये सारा questions अगर आपको दिखता नहीं हो, visible नहीं हो, तो अपना book open करिए, ठीक है? और book में सारे questions दिए होंगे, ठीक है? ये जो है हम अपना convenience के अनुसार ये लिख लिए हैं, ताकि हमको book देखना ना पड़े. So question number 1, if you subtract 1 by 2 from a number, अब from a number कह रहा है, तो number हमको क्या है? मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको हम लोग मान लेंगे. So question number 1, solve, लिखेंगे कि let the number be x, ठीक है? अब क्या कर रहा है? कि if you subtract 1 by 2 from a number, तो number हमको मालूम नहीं है ना, तो क्या किया हम लोग? Let the number be x. मान लिया हम लोग कि एक वो नंबर जो है वो क्या है, x है. अब कह रहा है कि इफ यू सबट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर हम लोग लिए उसमें से क्या करेंगे, 1 by 2 को सबट्रैक्ट करेंगे. इफ यू सबट्रैक्ट 1 by 2, तो लिखेंगे कि बाय सबट्रैक्टिंग 1 by 2 क्या मिल जाएगा हमको, तो x माइनस 1 by 2, ठीक है? अब जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमको नंबर क्या मिल गया, x माइनस 1 बाय 2. नेक्स्ट अगेन क्या कर रहा है स्टेटमेंट में कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट. अब जब हम माइनस किए तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ है ना, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 बाय 2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई x माइनस 1 बाई 2 को 1 बाई 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या कर रहा है, यू गेट 1 बाई 8, तो क्या मिलेगा हमको, 1 बाई 8, ठीक है? अब आपको वो नंबर फाइंड करना है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको ये सोचना है कि आखिर इक्वेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं. सो मेन आपका यही है, अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करने आता है, इट मींस कि आप लीनियर इक्वेशन समझ गए हो और आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, खास करके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? अगर ये आप फॉर्म कर लिए, कोई भी आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ हो उसमें से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है. अगर आप इक्वेशन फॉर्म करना जानते हो देन यू कैन सॉल्व इट. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है क्या वो सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं. इफ यू सबट्रैक्ट 1 बाय 2 फ्रॉम ए नंबर, तो एक्स नंबर हम क्या माने, एक्स माने एक नंबर, उसमें से 1 बाय 2 को सबट्रैक्ट किए एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 बाय 2, अगेन 1 बाय 2 से क्या किए, रिजल्ट को मल्टीप्लाई किए, तो यू गेट 1 बाय 8. इट मींस कि स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है और इक्वेशन उसके अनुसार सही. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2, अब इसके नीचे कुछ नहीं, इट मींस कि 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है? तो 2x माइनस 1 is equal to 1 by 8, ठीक है? क्लियर? अब अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 into 2x minus 1 by 2 is equal to 1 by 8. Then again ये क्या हो जाएगा, 2 2's are 4, हो जाएगा 2x minus 1 by 4 is equal to 1 by 8, ठीक है? नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब देख लीजिए ये जो जाकर के कहां हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इनटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4. अब यहां लिखेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? लिख दिए यहां पे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 टू जा 16x माइनस 8
इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन अगर इधर स्पेस आपका नहीं है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब 16x माइनस 8 है, ठीक है, इक्वेशन आपका है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस का साइन है, तो जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस का अपोजिट आपका प्लस होता है। सो 16x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, सॉल्व कर लीजिए, 16x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू व्हाट, अब 16x है, 16x का मतलब हुआ कि 16 मल्टीप्लाई एक्स, तो 12y क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, अब एक कॉमन नंबर से कट हो जाएगा, देख लीजिए 4 से दोनों कट हो रहा है, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, इट मींस कि x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 3/4 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इफ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब कि वो रेक्टेंगल के शेप का, ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसा होता है, ओके लेट्स सी, आप लोग को वीडियो पॉज कर करके इसको लिखना है, जिनको भी अगर फास्ट वो नहीं लिख पाते हैं तो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, अब ये मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है आपका, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, जो पेरीमीटर इसका जो दिया हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 154 मीटर, कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या, दिया हुआ ब्रेथ, समझिए कि ब्रेथ आपका जो भी है उससे लेंथ जो है वो क्या होगा, ज्यादा होता है, तो यहां कितना ज्यादा है आपका 2 मीटर मोर देन, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर जो है ब्रेथ हम x मान लेते हैं, सपोज दैट लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल बी x मीटर, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, तो x प्लस कितना मीटर मोर है, तो 2 मीटर, ठीक है, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया ये, और ब्रेथ हमारा क्या हो गया, x हो गया। अब इसी को हम लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि लेट द breadth of pool be x meter, कितना हो गया, x meter हो गया, the length क्या हो जाएगा आपका, length is equal to x plus 2 meter, क्यों, क्योंकि आपका 2 meter ज्यादा है, 2 meter more than its breadth, अब क्योंकि आपको perimeter already दिया हुआ है, ठीक है, तो perimeter का formula यूज करेंगे हम लोग, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, तो इधर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 154 मीटर, अब पेरीमीटर ऑफ पूल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ इंटू सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गया, 154 मीटर। नाउ लेंथ हमारा दिया हुआ है क्या, x प्लस 2 आ गया ना, लिख दीजिए x प्लस 2, ब्रेथ कितना हमारा, x इज इक्वल टू 154 मीटर, नाउ ऐड कर दीजिए 2 इंटू x प्लस x क्या हो गया आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 मीटर। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो आप सीधा क्या कर दीजिए ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2x plus 2 is equal to 154/2, कट कर दीजिए, कितना हो गया 77,
एक्स प्लस टू क्या हो गया आपका 77। अब जो है अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आ गया आपका 75। नाउ सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 बाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 37.5 क्या आ गया आपका ब्रेथ आ गया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 37.5, ठीक है। नाउ फिर x प्लस टू, ये तो हमारा ब्रेथ हो गया, और लेंथ क्या हो जाएगा तो x प्लस टू, इट मीन्स की 37.5 प्लस 2 तो 39.5, ठीक है। इतना ये मीटर और अगेन ये मीटर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ब्रेथ भी निकल गया और लेंथ भी हो गया। अगर आपको चेक करना है, हमको क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि चेक कर लें कि क्या जो पेरीमीटर है वो सही है, तो अगेन हम लोग चेक कर सकते हैं इसको कैसे, निकले से तो 2 into एल प्लस बी होता है हमारा चेक करने के लिए, तो 2 into अब लेंथ हमारा कितना है 39.5, ब्रेथ कितना हमारा 37.5, सो 2 into अब ऐड कर देते हैं 0.5 आपका 0 हो गया, 7 9 7 7 3 3 6 5, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो सम है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको डाउट आप चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो ब्रेथ आपका आ गया क्या 37.5 एंड लेंथ 39.5 मीटर, इसको हम लिखेंगे आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 meter, the perimeter of triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter, so centimeter में है, what is the length of equal sides, ठीक है। तो इसको रेज करते हैं and क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 centimeter, अब ये हमारा बेस है, इसको दिया हुआ है कि 4/3 centimeter है और ये हमारा क्या है इक्वल साइड है, ठीक है। आपको पता है कि आइसोसेलस ट्रायंगल में 2 sides आर इक्वल, 2 side क्या होता है इक्वल होता है, 2 angle भी इक्वल होता है आपका। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 whole 2 by 15, और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 4 whole 2 by 15 centimeter, जैसे रेक्टेंगल का दिया हुआ था पेरीमीटर, अगेन ट्रायंगल का भी पेरीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, इट मींस कि ये दोनों साइड्स का लेंथ क्या होगा, तो सोचिए कि अगर इसका लेंथ हम x मान लेते हैं तो इसका भी x ही हो जाएगा ना, क्योंकि बोथ आर इक्वल। मान लीजिए कि लेट द लेंथ ऑफ बी x सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट देखना है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही हम लोग मानेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है, यहां लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 4 whole 2 by 15 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी भी शेप का पेरीमीटर जो होता है हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या आपका स्क्वायर हो, एनी टाइप ऑफ शेप आपका क्या हो जाएगा, जो बाउंड्री लाइन है ये इसका लेंथ हो जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ ये तीनों हो जाएगा, रेक्टेंगल था उसका 4 हो गया, उसी पे उसका क्या है फॉर्मूला,
तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, तो सम ऑफ साइड्स हो जाएगा हमारा, तो तीनों को ऐड करते हैं, दो इक्वल साइड हमारा है x प्लस x, और थर्ड साइड हमारा क्या दिया हुआ है 4/3, एंड पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है कि 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस x क्या हो गया 2x + 4/3, इसको चेंज कर दीजिए हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 2x इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए प्लस 4/3 है, इसको हम लोग अपोजिट साइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 62/15 माइनस 4/3, 2x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं क्या हो जाएगा 15, तो ये तो आपका 62 ही रह जाएगा, 3 5 15 तो 4 5 20, क्या आ गया 42/15। अब देखिए आगे इसके बाद समझना है, इधर आ जाते हैं, लिखा हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 42/15, ठीक है। अब ये 2 जो है आपका मल्टीप्लाई में है, तो जैसे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42/15 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कहां चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके समझ सकते हैं कि यहाँ 1 हो गया, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 15 × 2x हो गया, तो 2 यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्योंकि अभी क्लास में है, तो इतना छोटी छोटी पॉइंट को है जो कि नहीं बताया जाएगा आपको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से इसको कट कर देंगे क्या हो जाएगा 21, ये हो गया 21/15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। हो सके बुक में आंसर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिया हो, तो कट कर देते हैं हम लोग, 3 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 3 से बन जा 21/35, यानी कि 7/5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया 7/5 सेंटीमीटर, क्या आ गया लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ये भी 7/5 हो जाएगा और ये भी 7/5 हो जाएगा ना, 7/5 7/5 और 4/3 तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अदर नंबर मान लें कि लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। तो वन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो हमारा क्या हो जाएगा जो पहला जो नंबर है इट मींस कि दूसरे से वो क्या है 15 ज्यादा है, कितना है 15 ज्यादा है, तो x प्लस 15 लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, अभी दोनों नंबर का जो सम होगा तो सम हो जाएगा तो x प्लस 15, ये नंबर है x और x प्लस 15 यहाँ आ गया, ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए 95, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू व्हाट, तो 80/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब जो है x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 40, बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना, एक नंबर तो हमारा 40 हो गया एंड दूसरा नंबर हमें क्या हो जाएगा अगेन, तो 40 + 50, एक ये नंबर हो गया और दूसरा हमारा ये नंबर हो गया, एक 40 हो गया दूसरा क्या हो गया 55,
ये दो नंबर है जिसका सम क्या हो जाएगा 95, और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 क्या है ज्यादा है, मोर है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अब क्या है रेशियो में आपका दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि डिफर है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो ग्रेटर में से क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो दोनों का क्या है डिफरेंस जो है वो है 18। अब रेशियो दिया हुआ है, मानिए कि लेट द नंबर्स बी, अब रेशियो है उसी के अनुसार करेंगे, तो एक हो जाएगा हमारा 5x और दूसरा हो जाएगा हमारा 3x। अब रेशियो हमारा 5x 3x दिया हुआ, फिर दिया हुआ है आपको कि दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देंगे कि इफ दे डिफर बाय 18, अब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है, तो डिफरेंस निकाल दीजिए, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, सो 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू व्हाट 18 बाय 2 दैट इज 9। अब क्या हो गया 9 जो है हमारा x का वैल्यू हो गया, व्हाट आर द नंबर्स, अब नंबर्स हमारा क्या क्या हो जाएगा, सो नंबर्स आर, नंबर्स आर, एक नंबर क्या हो जाएगा है 5x, इट मींस कि 5 इनटू 9 इज इक्वल टू 45, दूसरा हमारा है 3x, तो 3 इनटू 9 इट मींस कि 27, ये हमारा दो नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है 45 माइनस 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। अब 3 कंसेक्यूटिव क्या है इंटीजर, तो अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव इंटीजर हो या आपका नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों का हमेशा डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 होते चला जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा है तो लिखा हुआ है कि द कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, जब आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया हुआ हो तो आप डिफॉल्ट समझिए कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो मान लीजिए कि एक इंटीजर जो है कि लेट द वन इंटीजर, एक हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 1, क्या एक का डिफरेंस होता है इंटीजर होने के 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक कंसेक्यूटिव इंटीजर रहेगा हमारे, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, तो देखिए कि हर दोनों का डिफरेंस जो है हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या ऐड किए 1, अगर ये डिफरेंस हमारा 2 होता तो क्या ऐड करते 2, अगर ये डिफरेंस हमारा 3 होता तो यहां ऐड करते 3, ठीक है। और नेक्स्ट और जो आएगा थर्ड नंबर हमारा, थर्ड इंटीजर वो क्या हो जाएगा x प्लस 2, अब बोलेंगे सर अभी तो आप बोले कि 1 होगा तो x प्लस 2 क्यों होगा, अब देखिए सोच लीजिए कि हम इसको मान लिए x, एक इंटीजर हमारा ये है तो नेक्स्ट हमारा ये है, तो 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो हमारे x प्लस 1, तो अगर x इक्वल टू हमारा 1 आ गया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, नेक्स्ट हमारा थर्ड, ठीक है, x प्लस क्या होना चाहिए 2, इट मींस कि अगर यहां 1 है तो 1 का ही डिफरेंस आएगा, अगर हम फोर्थ नंबर मानेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता तो क्या हो जाता 2 4 6 8 इस तरीके से 2 2 का डिफरेंस होता, अगर ये नंबर 3 का डिफरेंस में होता तो x प्लस 3 होता, फिर x प्लस 6 होता, फिर x प्लस 9 होता, फिर x प्लस क्या हो जाता 12 हो जाता एंड सो ऑन इस तरीके से। तीनों नंबर हमारा मिल गया, अब क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या कह रहा है कि तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है ऐड अप टू 51, अगर तीनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 51, तो x पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1 और थर्ड हो गया हमारा x प्लस 2, क्या मिला
तो 51 ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 51। नाउ 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 क्योंकि इधर प्लस में है आपका ना, इसलिए वो क्या हो गया आपका उधर माइनस में हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू व्हाट, तो 48 बाय क्या हो जाएगा 3। इट मींस कि एक इंटीजर जो हमारा क्या हो गया 16 हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा समझ के फर्स्ट इंटीजर हो गया, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा तो 16 प्लस 1 इट मींस कि 17 एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा तो 16 प्लस 2 दैट इज 18। ठीक है, एक 16 एक 17 और एक 18, ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका जो है 51 आना चाहिए। अगर आता है इट मींस कि आपका जो सम है वो करेक्ट है, इन केस अगर नहीं आता है इट मींस कि योर सम इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। अब देखिए क्या है, मल्टीपल दिया हुआ, तो सोचिए कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, समझिए कि उसका टेबल हो जाएगा आपका। अगर हम बोले कि 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा एंड सो ऑन। 3 का बोलेंगे 3 6 9 12 इस तरीके से हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल आपका क्या होगा, तो 1 हो जाएगा आपका x, मान लीजिएगा सपोज दैट, तो मान लेते हैं कि एक नंबर होगा कि लेट डाउन फर्स्ट मल्टीपल वो क्या हो गया, तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा x मान लिए, तो नेक्स्ट जो है 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो सेकंड मल्टीपल जो होगा वो क्या हो गया, तो x प्लस 8 होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर x प्लस 8 क्यों होना चाहिए, x प्लस 8 क्यों होना चाहिए, x प्लस 8 इसीलिए होगा क्योंकि जैसे ही हम टेबल लिखते हैं 8 का, ठीक है, मान लीजिए कि आप 8 का टेबल लिख दीजिए, क्या करेंगे 8 का टेबल लिखते हैं, तो 8 टू जा 16 24 32 एंड सो, ठीक है, और भी होगा। तो सोचिए कि x प्लस 8 क्यों लिखे, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में हम बताया कि जितना हमारा डिफरेंस रहेगा वही लिखेंगे, और सोचिए कि दो के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 8, ये दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या होगा 8, ये दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या होगा 8, तो इसीलिए अगर ये 4 का मल्टीपल होता तो क्या लिखते हैं x plus 4 x plus 8, है ना। अब x plus 8 हमारा हो गया, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर हमारा होगा थर्ड मल्टीपल वो क्या हो जाएगा x plus 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब मल्टीपल ऑफ x है तो हमेशा जो डिफरेंस होगा एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में वो 8 का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है 8 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 8। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, अब ये तीनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, तो x plus 8 plus x plus 16 is equal to 8 8 and 8, यही दिया हुआ है। The sum of three consecutive multiple of 8 is 888. Then find the multiple. क्या होगा? X plus x plus x क्या हो गया आपका 3x plus 8 और plus 16 क्या हो जाएगा 24. तो 8 8 and 8. 3x अब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये जो 24 है आपका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा 4 6 और क्या हो गया आपका 8। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, तो 8 6 4 डिवाइडेड बाय 3 कट कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका 3 2 6 3 8 24 यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 288। आपको बोला पहला मल्टीपल तो ये हो गया, नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो गया, ये तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया आपका, फर्स्ट
सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो 288 + 8 क्या आ गया, तो 296। एंड थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, तो 288 + 16 क्या हो जाएगा, 304। ये तीन नंबर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट आर द फाइंड द मल्टीपल, तो मल्टीपल हमारा 8 का क्या क्या है, 288 है, 296 है, 304, और तीनों जो है लगातार है, और तीनों का सम जो है आपका क्या होना चाहिए, 888। आप ऐड करके देख लीजिए पक्का आएगा 888, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आपका टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 8 अभी करवा रहे हैं, 8 जो है हमारा ये पार्ट 3 है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 होगा, उसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीपल बाय 2 3 एंड 4 दे ऐड अप टू 74, फाइंड द नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जल्दी से इरेज करते हैं। Now, question number 8. Correct, 3 consecutive integers. अभी हम लोग बना रहे थे कि 3 consecutive integers. फिर से अगेन आ गया. तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि let the first integer be x. एक मान लेते हैं. तो second हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अभी बताए थे आपको, और थर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारा हो गया। नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है। अगर मान लीजिए कि एक हमारा x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3, फिर आएगा 4। अगर ये आता डिक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या करते, माइनस करते जाते हो, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है इसलिए x प्लस 1 और x प्लस 2 लिखे हैं, ठीक है। और ऊपर से कंसेक्यूटिव भी बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम x प्लस 1 x प्लस 2 कर दिए। फिर क्या बोल रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से एंड 4 से रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे ही करना है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4। तो जो पहला हमारा इंटीजर है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड हमारा जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, बहुत इजी है। अब क्या कह रहा है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं दे ऐड अप टू 74, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कितना होता है, 2 * x आपका क्या हो जाएगा, 2x, 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3, बीच में प्लस का साइन इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड कर दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 74 होगा, ठीक है। ये बोल रहा आपका क्वेश्चन। अब हमको इंटीजर फाइंड करना, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो 4 3 7 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 9x प्लस 3 और 8 क्या हो गया, 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 9x is equal to 63, so x is equal to what, 63 by 9, कट कर दिया क्या हो गया, 7, ठीक है। तो x is equal to हमारा क्या आ गया, x is equal to हमारा 7 आ गया, यानी कि first integer हमारा क्या है, x है।
और वो 7 है। सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारा, तो सेकंड हमारा इंटीजर हो गया तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, x प्लस 1 है तो। एंड थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 दैट इज 9। ठीक है, तो ये तीन इंटीजर है आपका 7, 8 एंड 9 जो कि क्या है कंसेक्यूटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 7 को 2 से, 8 को 3 से और 9 को 4 से, तो तीनों को मिलाकर क्या आना चाहिए अब देखिए करके निकालते हैं आपको। तो पहला हमारा 7 है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो 14 प्लस 24 प्लस 36, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 74 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इन केस अगर किन्हीं को नहीं आया आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, और मे बी है जो कि इस वीक में किसी दिन आपको नोटिस दिया जाएगा, लाइव सेशन होगा उसमें अपन में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव रहेंगे रात को ताकि पेरेंट्स लोग घर पे रहें और आपके पास कोई एक्सक्यूज ना हो। ठीक है, सो गाइस स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।